हेलो फ्रेंड, दिस इज सर्वेश। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को लेके। वी आर लर्निंग एज वेल एज वी आर अर्निंग। सो सब संभव हो जाता है, मन नहीं घबराता, ये थिंक टैग लाइन लेके मैं चल रहा हूं। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे और समझेंगे तो ही हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाएंगे, अन्यथा हमारे लॉसेस आएंगे और हम वहाँ से निकल जाएंगे। जैसे समुद्र में जब किसी को तैरना नहीं आता है तो वो समुद्र उसको बाहर फेंक देता है, उसी तरह स्टॉक मार्केट है। सो चलिए बढ़ते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, जिसका हाल फिलहाल में नाम चेंज हुआ है। कंपनी का नाम जो चेंज होकर सम्मान कैपिटल हो चुका है। कंपनी ने अपनी जो छवि को चेंज करने के लिए नाम भी चेंज करना पड़ता है समटाइम, और वो भी एक अच्छे हॉरिजन को लेकर चलता है कि कहीं ना कहीं कंपनी इंडिया बुल हाउसिंग में जो कुछ हुए और फिर उसके बाद स्टॉक प्राइस जो 1284 रुपये तक गया और अभी 166 पर ट्रेड कर रहा है, तो ये सब चीज़ें ठीक ठाक रहती हैं। जहाँ तक सम्मान कैपिटल की बात करते हैं, दिस इज़ द वन ऑफ द गुड बिजनेस इन इंडिया, बिकॉज हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसी कंपनियाँ हैं जो इंडिया में काफ़ी कुछ आगे चल के बिजनेस करेंगे। बिकॉज हाउसिंग फाइनेंस में कंपनियाँ बहुत सारी हैं, ऑल कंपनीज आर अर्निंग मनी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सम्मान कैपिटल लिमिटेड है वो 6.78 के पी पे, तकरीबन मुझे ये 2-3 के पी पे अभी नज़र आ रही है, और 2-3 के पी पे इस टाइप की कंपनियाँ ट्रेड नहीं करती हैं। एंड अगर हम इसके सेगमेंट में देखें तो ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं इनके पास। न्यू होम लोन देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे रहे हैं, होम लोन एक्सटेंशन भी लोन दे रहे हैं, होम लोन रिपेयर रेनोवेशन के लिए दे रहे हैं, रूरल हाउसिंग भी दे आर फाइनेंसिंग, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी कर रहे हैं, मतलब टेक ओवर भी कर रहे हैं, और होम लोन NRI एंड ऑल लोन्स भी दे रहे हैं। जहाँ पर हम अगर हम ऑल लोन्स पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रूरल होम, तो दीज आर द मेन सेगमेंट जो है ना इनका, जो मेन जो प्रॉपर्टी है, मेन जो अगर हम बात करें कि चारों तरफ जो घूम रहा है वो है घर, होम, और होम पर हम इनको LAP भी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, एक्सटेंशन भी लोन दे सकते हैं किसी को अगर पैसे की ज़रूरत है, तो वो दे आर टेकिंग ऑल टाइप ऑफ लोन। एंड और यहाँ पे लिखा भी है 8.75 से इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट है, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट शेड्यूल है, 4-स्टेप प्रोसेस में इनके लोन दिए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा सेगमेंट है, और खासकर इंडिया बुल हाउसिंग या फिर सम्मान कैपिटल की बात करें तो काफ़ी अच्छी स्टोरी प्ले आउट होती हुई नज़र आ रही है, और आने वाले समय में ये कंपनी काफ़ी कुछ अच्छा करेगी जहाँ तक उम्मीद है। बिकॉज गवर्नमेंट का भी फोकस है, गवर्नमेंट ने भी अभी भी जो बजट आया उसमें भी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर, हाउसिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कुछ अलॉटमेंट किए भी हैं। सो आई थिंक आपको ये बिजनेस तो समझ में आ गया होगा। बिजनेस के बारे में सबसे पहले बिजनेस ही समझना चाहिए कि बिजनेस ग्रो करेगा, घर नए बनेंगे कि नहीं बनेंगे, घर नए जरूर बनेंगे। और जहाँ तक अगर हम कंपनी की वेबसाइट पर लेके देखें कंपनी की रीच कहाँ पर है, तो कंपनी मोस्टली बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे हैं, और इनके मोर देन 200 ऑफिसेज हैं, 200 ऑफिसेज मतलब 200 सेंटर हैं जहाँ पर दे आर फाइनेंसिंग, और चाहे वो दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, प्रयागराज, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, विशाखापट्टनम, मैसूर, ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए और मैनी मोर ऑल्सो, सो दे आर द फाइनेंसिंग। और एक अच्छी जहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है वहाँ पर दे रहे हैं, तो टिकट साइज अच्छा खासा हो जाता है, और लोन की जो हैसल रहती है लोगों को उसमें चक्कर ना पड़े, दे आर द कंपनी इज टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग्स। सो मेरे हिसाब से दिस कंपनी विल डेफिनेटली ग्रो फ्रॉम हेयर। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर जरूर दे देता हूँ कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, मेरी आपको राय नहीं है कि आप कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें, पर आप चीज को समझें, और इफ़ यू आर इन स्टॉक मार्केट, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आप समझेंगे और फिर उस पर कोई डिसीजन लेंगे, देन यू कैन अर्न मनी, अदरवाइज आप लूज ही करेंगे। बिकॉज स्टॉक मार्केट में जो 97% का लोगों का पैसा 3% के पास जाता है तभी वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, अन्यथा इतना नहीं होगा। सो आई होप आपको ये पॉइंट जरूर समझ में आया होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर थिंग इज हेयर कि होम लोन हमने समझ लिया, और होम लोन ये वाइड रेंज इनके पास, स्मार्ट सिटी लोन भी है, और तो ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। कंपनी का नेटवर्क अच्छा खासा है, 200 प्लस ब्रांचेस हैं इनके पास, और 8,000 चैनल पार्टनर्स हैं, मतलब हर टाइप से दे आर यूजिंग देयर पोटेंशियल टू डिसबर्स द लोन। सीधी सी बात ये है, अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेके, तो सबसे पहले हम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो चार्ट पे एक्चुअली कोई चार्ट तो नहीं बनना है, बनाने को कोई भी चार्ट बना देते हैं फिर वो बोलते हैं चार्ट एक्चुअली नहीं है, बट अगर हम देखें तो स्टॉक अगर हम देखें तो तकरीबन एक साल से स्टॉक उसी रेट में घूम रहा है, अगस्त 2023 से लेकर अगस्त 2024 आ गई, एक ही रेट में घूम रहा है, अच्छा खासा रिटर्न भी दिया लोगों ने। अगर ये 210 पे टॉप डबल टॉप लगाया, जब दो बार लगाया तो यहाँ पे लोग फिर नीचे आ गए, मतलब मैं वहाँ पे फिर लोगों ने
अपनी सेल कर दी होगी, क्योंकि लोग अमूमन ट्रेडिंग में यही करते हैं, 30-35% मिल जाए बहुत होता है अमाउंट, और उस अमाउंट को रोटेट करके कहीं और लगाते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फिर अपॉर्चुनिटी बनने वाली है और काफ़ी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 1 ईयर पहले की रेंज में ट्रेड कर रहा है, और देखें तो लंबा होरिजन देखें तो काफ़ी पुरानी रेट में ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम फाइनेंशियल्स को देख लें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 8,251 करोड़ रुपये है, और कंपनी जो करंट प्राइस है 166 है, बिलो बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब मैं 268 रुपये तो इसकी बुक वैल्यू है, तो मतलब मैं एटलीस्ट आपको 268 तक तो ये जाएगा, ये आप समझ लीजिए। हाई इसका 209 गया, 131 इसका लो गया, 1652 वीक की बात कर रहा हूं यहां पर हम। एंड स्टॉक का पी मैंने बताया 6.78 का पी, मुझे ये 3 या 4 का पी दिखता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा पी नहीं है, इसलिए बहुत रीजनेबल प्राइस पे कह सकते हैं हम इसको। डिविडेंड भी दे रहा है 0.75%, आरओई इनकी थोड़ा सा कम है, बट आने वाले समय में ये सब चीज़ें कम होती हुई नज़र आएंगी। एंड फेस वैल्यू 2 रुपये है, इंडस्ट्रीज का पी देखें तो 21 है, तो उसके पी से ऑलरेडी 1/3 ट्रेड कर रहा है, प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी बता रखे, डेट टू इक्विटी रेशियो तो यहाँ पर वैसे भी हाई रहेगा बिकॉज कंपनी लोन लेके ही लोन देती है, बट सबसे बड़ी बात है प्लेज परसेंटेज 0 है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो कंपनियाँ काफ़ी पेयर कंपैरिजन में, चाहे वो हुडको हो उसका 28 का पी है, LIC हाउसिंग का 8 का पी है, PNB हाउसिंग का 13 का है, आधार का 24 है, एप्टस का 24 है, आवास फाइनेंस का 26 है, कैन होम फाइनेंस का 14 है, और सम्मान कैपिटल का सिर्फ 6.78 है। तो ये पी बहुत कम है, मुझे तो ये पी अभी 3-4 के आसपास दिख रहा है। और कब ये आपको दिखना, मतलब कम कैसे दिखना, अगर जाकर किसी को बोले कि 10 का दिख रहा है, मुझे तो बहुत सस्ता नज़र आता हुआ दिख रहा है ये, और आने वाले समय में ये बहुत रैपिडली ग्रो करेगा। पी कम और दिखेगा बिकॉज अगर इसी रेट पर ट्रेड नहीं करता रहा तो वैसे तो करेगा नहीं बेसिकली, बट अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो काफ़ी सस्ता शेयर मिल रहा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो ये जून के रिजल्ट अवेटेड है, आने को है, बट अगर हम सेल्स देखें तो सेल्स इज कांस्टेंट है। मतलब मैं देखो एक्चुअली जो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री है इसमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये काम करता है कि अगर किसी के पास 100 करोड़ की लोन बुक है, मतलब 100 करोड़ रुपये उसने लोन दे रखा है, तो उसका रीपेमेंट भी आएगा, और रीपेमेंट आएगा तो रीपेमेंट अगर हम नए लोन्स नहीं देंगे ना तो इनका सेल्स जो है ना वो कम होती जाएगी, पर ऐसे इतनी कम नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, कुछ अच्छे खासे पुराने लोन उन्होंने बंद हुए होंगे, और बट क्या है कंपनी की अगर सेल्स इतनी भी है ना तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये सेल्स लगातार बढ़ रही है, और अगर कांस्टेंट होती ना तो ये 2300 की जगह 1300 करोड़ होते हैं, बिकॉज रीपेमेंट बहुत ज़्यादा होता है लोन में, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है ना लोग लोन को ज़्यादा रीपे करने लगते हैं, और उस हिसाब से सेल्स गिरती है, क्योंकि सेल्स इन द सेंस ऑफ इंटरेस्ट गिरता है और इनके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, क्योंकि जब सेल्स गिरेगी इंटरेस्ट आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखाई देंगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम दिखाई देगा। पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेके देखें तो 1693 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, विच इज गुड नॉट अ बैड, और अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो 319 करोड़ रुपए कंपनी एक क्वार्टर में कमा रही, तो काफ़ी अच्छी इनकम है यहाँ पर। एंड अगर हम देखें टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखें तो कंपनी लॉस में कभी नहीं रही है, तभी कंपनी खड़ी है, और तभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कंपनी आगे बहुत कुछ करेगी सम्मान कैपिटल, बिकॉज कंपनी लॉस में कभी नहीं आई, कंपनी के साथ कुछ कंडीशंस कुछ ड्रॉबैक जरूर रहे हैं, बट अभी कंपनी ने टर्न अराउंड स्टोरी प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 6,890 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और साथ साथ में अगर नेट प्रॉफिटिटी की बात करें तो 1214 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर हम देखें तो कंपनी ने एक ट्रेंड अनाउंट कर ही लिया है अपने आप को, और 1214 करोड़ का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट है, और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी अगले साल ये तकरीबन 1500 या 1600 करोड़ के नेट प्रॉफिट पर बैठेगी, और फिर इसका पी आपको समझ में आएगा, आपकी वैल्यूएशन समझ में आएंगी, तो मुझे ऐसा लगता है ये बुक वैल्यू तो इसकी डिजर्व करती है स्टॉक की प्राइस को। बैलेंस शीट में देखें तो इनका लोन बोरिंग कम हो रही है, तो इट मींस दैट कि दे आर फाइनेंसिंग बट कम फाइनेंस हो रहा है और रीपे ज़्यादा हो रहा है जो पुराने लोन्स थे। रिजर्व देखें तो अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी के पास, 19,679 करोड़ का तो रिजर्व ही है, तो कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी अच्छा है, और रिजर्व के बुक वैल्यू बहुत कम पे ट्रेड कर रहा है। एंड अगर हम देखें यहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बिग कंसर्न है कि यहाँ पे प्रमोटर नहीं है और जो कुछ है पब्लिक होल्डिंग है, और बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कंपनी के तो एक रूल आउट हुए हैं, बट आने वाले समय में ये चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आएंगी। सो अगर हम इसके चार्ट में देखें और टारगेट को लेके बात करें तो टारगेट एक्चुअली
इसका 268 के टारगेट के लिए ही काम कर सकते हैं, और 268 के लिए काम कर सकते हैं या फिर जो इसका नियरेस्ट जो हाई लगा है जून 21 में उसके लिए उस पर इसमें काम किया सकता है, और 277 रुपीज़ के टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट टारगेट से देखें तो यहाँ से इसमें अच्छा खासा मूवमेंट है, नियर अबाउट 66% से वी कैन से, अगर 60% 2 साल में भी आया तो बहुत बढ़िया, पर मुझे ऐसा नहीं लगता 2 साल में आएगा। बट इसमें दो टारगेट के लिए आप काम कर सकते हो, एक टारगेट तो ये है फाइनल, और एक टारगेट इसका ये भी है, यहाँ पर भी अच्छा खासा इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड जरूर मिल सकता है, एंड विच इज नियर अबाउट 220 रुपए के हिसाब से इसमें काम किया सकता है, और 220 में अगर आप देखें तो नियर अबाउट 30% के आसपास बनना चाहिए ये, या तो दिस इज 32% के आसपास है। तो यहाँ से इन दो टारगेटों के लिए काम कर सकते हैं, बट अपना ड्यूलेंस के अनुसार, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग यू एनी एडवाइस, मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे ही प्ले आउट होती है स्टोरी, और प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है, बिकॉज समटाइम लोग सोचते हैं और ऊपर जाएगा, बट और ऊपर जाएगा ठीक है, बट अगर आपने अपना एक ट्रेड लाइन बना रखी कि मुझे इतना प्रॉफिट बुक करना है, तो जस्ट बुक द प्रॉफिट एंड उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करो, देन इट विल बी डेफिनेटली एक अच्छा खासा और एक सिस्टमेटिक अप्रोच रहेगी जहाँ से आप अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। आई होप आपको ये सम्मान कैपिटल के बारे में वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे नंबर पर, एंड वहाँ पर बहुत जल्दी रिप्लाई मिलता है, और तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। जय हिंद।